नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा। शहर में भूमाफियों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो सरकारी और निजी भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री के जरिए अवैध कब्जा कर रहा था। बता दें, गिरोह जिसमें कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, बनभुलपुरा से हटकर अब सेराकुई में अपनी गतिविधियां फैला रहा है, जिसमें कई मुख्य आरोपी के हाजी मुकर्रम पर आरोप है कि वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सरकारी भूमि पर कब्जा दिला रहा है। और गिरोह के खिलाफ कई स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद तहसील विकास नगर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसमें एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस गिरोह ने माजरा स्थित एक प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री हरिद्वार निवासी शिखा शर्मा के नाम कर दी थी, जिसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। बता दें, स्टिंग ऑपरेशन के दौरान गिरोह के सदस्य खुशवेज उर्फ भूरा उर्फ अली ने खुलासा किया कि वो सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा दिलाने के बदले बड़ी रकम वसूलता है। उसने ये भी बताया कि विकासनगर तहसील में उनकी एक सेटिंग है, जिससे वो फर्जी रजिस्ट्री के जरिए कब्जा दिलाने का काम कर रहा था। बहरहाल, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद असली मालिक पाल शर्मा के वारिसों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह में एक दर्जन से अधिक भूमाफियों के शामिल होने का अनुमान है, जिनके नाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। जब गिरोह का पर्दाफाश हुआ तो आरोपियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बचाव की कोशिश की और पत्रकारों पर आरोप लगाए, लेकिन उनके खिलाफ उठी आवाजों और पुलिस की कार्रवाई ने उन्हें बेनकाब कर दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में और क्या कदम उठाता है और भूमाफियों के इस गिरोह पर क्या सख्त कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।